नैतिक। इस नाम से लोग वाकिफ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, सही समझे आप, हम ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक सिंघानिया की ही बात कर रहे हैं। ये वो किरदार था जो सालों तक इस शो में पसंद किया गया था। नैतिक के किरदार को निभाने वाले एक्टर करण मेहरा को आज भी लोग इसी नाम से बुलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे करण को ये रोल ऑफर हुआ था, आखिर कैसा रहा उनकी जिंदगी का अब तक का सफर और क्या है वो चार बातें जो शायद ही आप जानते होंगे, बताते हैं आपको इस वीडियो में। पहली बात, फैशन डिजाइनिंग का किया कोर्स, जरूरत पड़ने पर पिज्जा भी बेचे। आपको बता दें कि करण का जन्म 10 सितंबर 1982 को जालंधर पंजाब में हुआ था। जब वो छोटे थे तभी उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, जिसके बाद करण ने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से ही पूरी की। करण ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की। वो अपने बैच के टॉपर रहे हैं। करण ने डोमिनोज पिज्जा में पिज्जा मेकिंग का काम भी किया, जिसका खुलासा उन्होंने अपने एक वीडियो में भी किया था। दूसरी बात, बॉलीवुड डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और राम गोपाल वर्मा के साथ किया काम। जी हाँ, बहुत कम लोग ही इस बात को जानते हैं कि करण बॉलीवुड के दो मशहूर और बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम भी कर चुके हैं। दरअसल पढ़ाई पूरी होने के बाद करण एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए थे। उन्होंने शुरुआत में राजकुमार हिरानी और राम गोपाल वर्मा के साथ एज एन असिस्टेंट कई फिल्मों में काम किया। इसके बाद करण फिल्म लव स्टोरी 2050 में भी दिखाई दिए थे। इसके बाद करण ने कई टीवी कमर्शियल्स और मॉडलिंग का काम किया। तीसरी बात, एक्टिंग क्लासेस के दौरान मिला ये रिश्ता शो का ऑफर। जी हाँ, साल 2009 करण के लिए बेहद ही लकी साबित हुआ। इसी साल वो एक्टिंग ट्रेनिंग ले रहे थे और उसी के दौरान उन्हें राजन शाही के इस शो ये रिश्ता के लिए नैतिक का ऑफर मिला। इस शो में करण ने 7.5 साल तक काम किया और खूब वाहवाही भी लूटी थी। लेकिन साल 2016 में हेल्थ इश्यू की वजह से करण ने इस शो को छोड़ने का फैसला कर लिया था। और चौथी बात, ये रिश्ता के बाद बने स्टार कई टीवी शोज में किया काम। जी हाँ, ये रिश्ता के बाद करण की पॉपुलैरिटी इतनी बुलंदियों पर थी कि उन्हें कई रियलिटी शोज के ऑफर मिले और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। इस लिस्ट में नश्वलिय, बिग बॉस, किचन चैंपियन 5 शामिल है। इसके अलावा करण ने कई टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे किरदार भी निभाए थे, जिसमें खटमल इश्क, एक भ्रम, सर्वगुण संपन्न, शुभारंभ के अलावा कई पंजाबी टीवी शोज शामिल हैं। करण बेशक फिलहाल टीवी शोज में दिखाई नहीं दे रहे हों, लेकिन उनके फैंस उनके नए टीवी शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हम भी ये दुआ करते हैं कि करण जल्द ही किसी नए टीवी शो से अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दे।